Ma ne porto sì? Tosse lo stesso? Non più. No, no. Hi, children. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फासिया सज्जाद। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बांग्लादेश में रातों रात एक गाय सेलिब्रिटी बन गई है। न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि दुनिया भर में सब उस गाय के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद हजारों की तादाद में लोग इस गाय को देखने के लिए फार्म हाउस पर पहुँच भी गए हैं। मैं बात कर रही हूँ बांग्लादेश में 51 सेंटीमीटर ऊँची और 67 सेंटीमीटर लंबी गाय की, जिसे देखने के लिए कतारें लग गई हैं। और उसके मालिक का दावा है कि कद के लिहाज से ये गाय दुनिया की सबसे छोटी गाय है। बांग्लादेश के एक फार्म हाउस में पलने वाली गाय रानी की धूम मची है और सिर्फ 3 दिन में इसे देखने के लिए मुल्क भर से 15,000 से ज्यादा अफराद फार्म हाउस पहुंच चुके हैं। रानी की परवरिश करने वाले शिकोर एग्रो फार्म के मैनेजर MA हसन कहते हैं ये गाय 51 सेंटीमीटर ऊंची है और 67 सेंटीमीटर लंबी है, जबकि इसका वजन सिर्फ 26 किलोग्राम है। इस तरह ये दुनिया की सबसे बोनी यानी छोटे कद की गाय है। हसन का कहना था कि इस वक्त दुनिया की सबसे छोटे कद की गाय यानी बोनी गाय का रिकॉर्ड भारतीय रियासत केरला के मानकिम के पास है, जिसकी ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है, जबकि मेरी गाय रानी की ऊंचाई 51 सेंटीमीटर है। ऊंचाई में बहुत कम है, इसलिए अब गिनीज बुक का रिकॉर्ड मेरी रानी के नाम होना चाहिए। गाय के मालिक ने रानी को देखने के लिए आने वाले शहरी और मीडिया के सामने भी गाय की पैमाइश करके दिखाई। इस मौके पर अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि भारत से ये एहसास लेने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ता करे। ये खूबसूरत सी पिस्ता कद गाय रानी दुनिया की सबसे छोटी गाय के एजाज की दावेदार है और जल्द ही शायद गिनीज बुक की जानिब से सनद याफ्ता दुनिया की सबसे छोटी गाय का एजाज हासिल करने वाली है। बांग्लादेश के फार्म हाउस में लोग जोक दर जोक मुल्क में सेलिब्रिटी की हैसियत हासिल कर जाने वाली रानी नामी इस छोटे कद की गाय को देखने के लिए दूर दराज से आ रहे हैं। ये 23 माह की भोटी गाय है। भोटी गाय यानी भूटानी गाय, जिसका कद सिर्फ 51 सेंटीमीटर यानी 20 इंच है और इसका वजन 26 से 28 किलो के बीच रहता है। बांग्लादेश में इस वक्त COVID-19 की वजह से लॉकडाउन है। लॉकडाउन की सख्तियों के बावजूद कहा यह जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा अफराद 3 दिन में रानी को देखने दारुल हुकूमत ढाका के करीब चारिग्राम में वाक़ इस फार्म हाउस पर आ चुके हैं। फार्म मैनेजर MA हसन ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से राब्ता कर लिया है। उनके बकौल वो दुनिया की सबसे छोटी गाय के मालिक हैं। रानी को देखने के लिए जमा हुए लोगों का कहना था कि उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे कभी नहीं देखा। रानी एकदम से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की जीनत बन गई। ये रानी आई कहाँ से है, इस बारे में हसन ने बताया कि उसने पिछले साल बांग्लादेश के शुमाल मगरबी नौगांव जिला के एक और फार्म हाउस से रानी को खरीदा था। उसका कहना है कि रानी को चलने में बहुत मुश्किल होती है और वो फार्म हाउस में मौजूद किसी दूसरी गाय के साथ घुल मिल नहीं पाई। वो उनसे खौफजदा रहती है, लिहाजा इसे बाकी रेवर से अलग रखा जाता है। हसन ने ये भी बताया कि रानी ज्यादा खाती पीती नहीं है, दिन में सिर्फ 2 बार कम मिकदार में चौकर और घास खाती है। जैसे कि हसन ने बताया कि रानी को चलने में भी मुश्किल का सामना है और शायद यही वजह है कि बहुत छोटा कद होने की वजह से इसका मैदा भी इतना बड़ा नहीं। दिन में सिर्फ 2 बार ही कम मिकदार में चौकर और घास खाकर इसे अपना आप संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, लेकिन रानी बाहर घूमना बहुत पसंद करती है। हसन बताते हैं कि जब इसे हम अपनी बाहों में लेते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है। इस वक्त बांग्लादेश के पड़ोसी मुल्क इंडिया में मानिकेम के पास छोटी गाय है। उसका कद 61.1 सेंटीमीटर है और रानी उससे छोटी है, इसलिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लोग इस साल उसके फार्म हाउस पर आएंगे ताकि ये देख सके कि रानी इस ताज की, इस टाइटल की हकदार है या नहीं। ईद उल अजहा के इस्लामी त्यौहार में सिर्फ चंद हफ्ते ही बाकी हैं और ये कयास अराइयां जारी हैं कि आया रानी को कुर्बानी के लिए फरोख्त किया जाएगा या नहीं, लेकिन फार्म हाउस के हुक्काम का कहना है कि उनका रानी से अलग होने का कोई इरादा नहीं, उन्हें रानी से बेपनाह मोहब्बत है। रानी के मालकान की जानिब से उसे ईद पर कुर्बान करने या कुर्बानी के लिए बेचने की कोई बात सामने नहीं आ सकी। तहम लोगों ने खुद साख्ता राय का इजहार करना भी शुरू कर दिया है। बहुत से लोगों के
मुताबिक ये अच्छी कीमत पर इस ईद पर बिकने वाली है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ईद कुर्बान के लिए जानवर खरीदने की कुछ शराइत होती हैं। रानी शायद अपने छोटे कद की वजह से उन शराइत पर पूरा नहीं उतरती। लोग रानी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की बहस मुबाहिसे में मशगूल हैं। तहम रानी के मालकान का कहना है कि वो किसी सूरत रानी को बेचने वाले नहीं, वो रानी से बहुत मोहब्बत करते हैं जबकि रानी भी उनसे बहुत प्यार करती है। वो फार्म हाउस में मौजूद दूसरी किसी गाय के पास नहीं जाती क्योंकि वो उनसे खौफजदा रहती है। तहम जब इसे हसन और दूसरे मालकान अपनी बाहों में लेते हैं तो वो बहुत खुश हो जाती है, इकलौती है और उनके साथ बाहर जाने को जिद भी करती नजर आती है। इसलिए लोग इसके बारे में कुछ भी कहें, मालकान इसे खुद से दूर करने पर राजी नजर नहीं आते क्योंकि उन्हें इस छोटे से कद की बोनी सी गाय रानी से बहुत प्यार है। और रानी के यूं रातों रात न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हो जाने के बाद अब वो और ज्यादा पुरउम्मीद है कि उनकी रानी गिनीज बुक का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी। जल्द ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों की आमद उनके फार्म हाउस पर मुतवक्के है और वो हजारों लोग जो कि रानी को देखने फार्म हाउस पर आ चुके हैं वो बांग्लादेशी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि रानी को सपोर्ट किया जाए। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एहसास भारत से लेकर बांग्लादेश को दिलवाने के लिए हुकूमत रानी के मालिक हसन को सपोर्ट करे। এক ইঞ্চি আর একটু বাড়বে।